खरगोन जिले की नवज्योति सेवा संस्थान द्वारा परंपरागत तौर पर मुखबधिर संस्थान का 16वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर समाज सेवी कैलाश अग्रवाल, अजय नारमदेव, लखन पगारे सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और मुखबधिर बच्चे मौजूद थे। बताया जा रहा है कि 16 वर्ष पहले संस्थान की स्थापना की गई थी और कसरावत रोड स्थित केंद्रीय विद्यालय के पीछे नवीन भवन में कार्यक्रम आयोजित हुआ, जबकि शिक्षा क्षेत्र में बच्चों के भविष्य को निखारने के लिए संगोष्ठी का आयोजन भी हुआ। इस दौरान समाज सेवियों ने बताया कि मुखबधिर बच्चों के भविष्य को लेकर वो आने वाले समय में नए आयाम पेश करेंगे। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। इस पल का 9 जनवरी का वो हमेशा इंतजार करते रहते हैं कि पगारी जी आएंगे और हमसे हमें गिफ्ट तोहफे मिलेंगे और हमारे साथ एक आनंद पूर्वक कार्यक्रम आयोजित करेंगे। मैं अपने संस्था स्कूल और विभाग की ओर से नवज्योति सेवा संस्थान को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि वो इस तरह से सामाजिक कार्य और गतिविधियां करते हैं जिससे समाज को आगे प्रेरित करते हैं, और मैं इसी के साथ ईश्वर से ही कामना करता हूँ कि संस्थान हमेशा प्रगति की ओर अग्रसर रहे और एक क्षितिज को प्राप्त करे, ऊंचाइयों को प्राप्त करे। इसी के साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। नवज्योति सेवा संस्थान द्वारा अपना जो स्थापना दिवस मनाया जा रहा है वह मुखबधिर और अंध बच्चों के बीच में मनाया जाना निश्चित रूप से एक प्रेरक बात है, और अगर संस्थान इस प्रकार बच्चों को प्रेरणा देते हैं तो बच्चे अपने आप में एक अच्छा महसूस करेंगे, उनमें आगे पढ़ने की, आगे बढ़ने की और कुछ बनने की प्रेरणा बनती रहेगी, और यही समाज में उनको वह स्थान मिलेगा जिसकी अपेक्षा है कि वे समाज के लिए काम कर पाएंगे। निश्चित रूप से संस्था और यह विद्यालय दोनों, इनके शिक्षक हमें इनको बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए कि वे बहुत धैर्य से इन बच्चों को गढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से समाज के लिए वे इसे आगे बढ़ा रहे हैं। हम उन सबके आभारी भी रहेंगे। शिविर लगाने की बात की आपने, एक शिविर विशेष जो डॉक्टर्स होते हैं, जो इंदौर में हमने एक शिविर लगाया था, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे खरगोन में भी एक शिविर लगाएं ताकि इन बच्चों को मेडिकल का लाभ मिल सके। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।